हेलो डियर किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल एट होम। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू न्यू चैप्टर इन योर जीके, सेल्फ इंट्रोडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन? जब आपके घर में गेस्ट आते हैं, ग्रीटिंग गेस्ट एंड नॉट इंटरप्टिंग एंड ऑन गोइंग कन्वर्जेशन, और जब वो बड़े बात करते हो या फिर कोई भी बात करता हो तब बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बिटवीन टू एडल्ट्स आर सम रूल्स दैट एवरी चाइल्ड मस्ट फॉलो, और जब बड़े बात करते हो तो हर एक बच्चे को कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए, विच इज़ अ वन काइंड ऑफ गुड मैनर्स, वो जो एक तरह की गुड मैनर्स होती है। ओके, सो हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन एंड यू हैव टू चूज विच इज़ द राइट वन। व्हेन यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस टू समवन, यू जब आप किसी को अपने बारे में बता रहे हो या फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी के सामने, तो आपको इसमें से क्या करना चाहिए? कीपिंग सिटिंग ऑन द कोच, आपको बैठे रहना चाहिए और टीवी देखते रहना चाहिए? नो, इट्स रॉन्ग। स्टैंड अप स्ट्रेट, सिर्फ खड़े रहना चाहिए, वो भी रॉन्ग है। सी इज द राइट वन, बो डाउन टू से हेलो। ओके, आपको नीचे झुक के उनको हेलो कहना चाहिए। When you are being introduced to someone, you, जब आप किसी से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो तब आपको क्या करना चाहिए? Look grumpy, stick out your tongue, give a smile. तो क्या करना चाहिए? आपको स्माइल देनी चाहिए। When you are being introduced to someone, you look at the ceiling, आपको छत पे देखना चाहिए, सीलिंग पे देखते रहना चाहिए। Start singing the song you hear on the radio, आपको गाना गाना चाहिए जो आपने रेडियो पे सुना, या फिर पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली टू देम। सी ऑप्शन इज राइट, आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। व्हेन यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू समवन, यू पुट अ फिंगर इन योर ईयर, आपको अपने कान में अपनी उंगली फिंगर डालकर रख देनी चाहिए। वेव टू अ फ्रेंड आउट ऑफ द विंडो, या फिर आपके अपने फ्रेंड को विंडो में से हाथ दिखाना चाहिए, हेलो करना चाहिए, या फिर शेक हैंड्स विद द पर्सन बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, या फिर आपके घर में जो गेस्ट आए हैं उसके साथ आपको शेक हैंड करने चाहिए। व्हेन यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू समवन, जब आप किसी से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, स्क्वीज देयर हैंड अंटिल टीयर्स कम टू देयर आईज। ओके, जब तक उनकी आंखों में आंसू ना आ जाए तब तक गिव देम अ लिम्प हैंड शेक। Now kids, let's start with new chapter, happiness. This is the third chapter of your GK book, happiness. आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करने से आपको खुशी मिलती है? ओके, दिस इज चैप्टर रिगार्डिंग टू दिस, इसी टॉपिक्स को लेकर ये चैप्टर है। विच इज मोर पावरफुल, अ स्माइल और अ चॉकलेट, आप कौन सी चीज ज्यादा पावरफुल है, चॉकलेट या फिर स्माइल? ऑफकोर्स स्माइल इज वेरी मोर पावरफुल देन चॉकलेट। Which food helps you put in a good mood? आपको कौन सा खाना खाने से आपका मूड अच्छा हो जाता है? मेरा मूड जो है वो खिचड़ी खाने से अच्छा हो जाता है, तो I've written here खिचड़ी। अगर आपको कोई और फूड पसंद है जिससे आपका मूड चेंज हो जाता है, सो यू कैन राइट डाउन दैट here. Which type of activities energize you? कौन सी एक्टिविटी करने से आपको एनर्जी आ जाती है? आई फील डांसिंग, मुझे डांसिंग करने से एनर्जेटिक फील होता है। सो आपको जो भी एक्टिविटी पसंद हो आप यहाँ पे उसके स्पेलिंग लिख सकते हो। नेम अ फेमस पर्सन हु इंस्पायर्स यू, मुझे डॉक्टर ABG अब्दुल कलाम ने बहुत इंस्पायर किया है, सो आई हैव रिटन इट्स नेम हियर, हिज नेम हियर। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? खेलते हो, प्लेइंग, तो प्लेइंग लिखो। मैं रीडिंग करती हूँ, आई रिटर्न रीडिंग। कोई म्यूजिक सुनता है तो लिसनिंग म्यूजिक लिखना है। योगा इज एन एक्सरसाइज दैट मेक्स यू फील गुड, विच कंट्री डज योगा कम फ्रॉम, कौन सी कंट्री में से योगा आया है, मतलब किधर से? तो इंडिया ने सबसे पहले योगा को फॉलो किया था। व्हाट कैन बूस्ट अप योर मूड, कौन सी एक्टिविटी करने से आपका मूड और अच्छा बेहतर हो जाता है? म्यूजिक से, देन डांस करने से, गेम से, या फिर ऑल, ये तीनों एक्टिविटी से आपका मूड अच्छा ही हो जाता है। सो आई फील ऑल थ्री आर राइट, सो आई टिक हियर ऑल। हाउ ऑफन यू फील
हैप्पी, आप कब हैप्पी फील करते हो, खुश फील करते हो? ऑल द टाइम आप हमेशा खुश रहते हो? सम टाइम कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर टाइम, नेवर या फिर कभी नहीं। आई रिटर्न यर मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हैप्पी फील करती हूँ। देन गोल्डन रूल्स टू हैप्पीनेस, कौन से रूल्स को आप फॉलो करोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे? फ्रोन लेस माइल मोर, मतलब चिड़चिड़ा होना, मुंह फुलाना, आप अगर ऐसा कम करोगे और स्माइल ज़्यादा करोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे। टॉक लेस लिसन मोर, कम बोलो और ज़्यादा सुनो।